मुस्लिम समाज के नेता ने की फरियाद, पुलिस ने मदद करने के नाम पर बुलाकर उसे फंसाया। समाज के नेता ने बालक मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। बताया कि बालक मंत्री मंगल प्रसाद दोड़ा सिर्फ मालवनी के कुछ गुंडों को समर्थन दे रहे हैं। मुंबई रामनवमी के दौरान मलाड मालवनी इलाके में भड़के दंगे के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना शुरू हो गया है। पुलिस ने दंगा भड़काने के मामले में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसमें शामिल मुस्लिम समाज के नेता ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में वीडियो फुटेज पेश किया, जहां उन्हें सोमवार तक गिरफ्तार नहीं करने की राहत मिली। मलाड पश्चिम मालवनी इलाके में रामनवमी के दौरान जुलूस 5 नंबर सवेरा बिल्डिंग के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक ही जुलूस में मौजूदा लोग काफ़ी शोर शराबा शुरू कर दिए। तब वहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तब बवाल शुरू हो गया। दंगा भड़कने पर पुलिस ने इस मामले में दर्जनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया, जिसमें मालवनी मुक्की इलाके के मुस्लिम समाज के नेता जमील मर्चेंट का नाम भी शामिल है। जमील मर्चेंट के मुताबिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने खुद इन्हें बुलाया और मामले को शांत करने के लिए आग्रह किया, तब वो खुद वहाँ मौजूद लोगों को शांत होने की अपील करने लगे। पर ताजुब उन्हें तब हुआ जब उन्हें पता चला कि पुलिस ने दंगा भड़काने के मामले में उनका ही नाम FIR में दर्ज कर दिया है। जमील मर्चेंट ने का कहना है कि उनके पास वो सारे फुटेज मौजूद है जिसमें वह इस बात का पता चल सकता है, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद ही भीड़ को मस्जिद और सवेरा कंपाउंड के अंदर घुसा रहे हैं। ऐसे में ताजुब होता है कि कैसे ये अधिकारी उन पर ये आरोप लगा सकते हैं और उन्हें कुछ समय पहले तक धन्यवाद देने वाले मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की बात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी रामनवमी के मौके पर ऐसी स्थिति सामने आई थी, तब पुलिस ने दोनों तरफ मामला दर्ज किया था। पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई से साफ लग रहा है कि ये राजनीतिक राजिश के तहत मामला दर्ज बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस मामले में सारे फुटेज कोर्ट में रखे हैं, जिसके आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है। पुलिस इस मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम नेशनल, मुंबई। जो घटना हुई है उसमें आपका भी नाम शामिल किया गया है, लेकिन आपका कहना है कि पुलिस ने आपको बुलाया था मदद के लिए, लेकिन इसके बावजूद आपका नाम इसमें घसीटा गया और आपके ऊपर FIR लिया गया। सबसे पहले आप अपना पूरी जानकारी दीजिए कि आपके साथ जो हुआ वो कितना सही है। देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना घटी 30 तारीख को रैली की, इसमें जो भी 8 नंबर जो रैली शुरू होने के बाद रैली का जो मूवमेंट चलता गया, 7 नंबर में आने के पहले लोग थक चुके थे, जो जहाँ तक मुझे खबर मिली। तो 7 नंबर मस्जिद के पहले मुसलमान जो भाई लोग थे उन्होंने पानी का और जूस का इंतज़ाम रखा था, तो वहाँ उन्होंने पानी नहीं पिया, जूस भी पिया ताज़े हुए। फिर 7 नंबर मस्जिद के पास आकर DJ को बढ़ाया और वहाँ पे हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद पुलिस ने जो भी लाठीचार्ज करी, जो छोटा मोटा झगड़ा हुआ, और फिर रैली यहाँ पे आना शुरू हुई। तो उसमें अक्सर मसला क्या है कि यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम जो है वो 25-30 सालों से, मतलब मैं रहता हूँ, तो कभी ऐसा झगड़ा हुआ नहीं है। एक 92 की राइड हुई थी और पूरी दुनिया पर हिंदुस्तान में राइड हुई थी, मगर इधर जो है कभी ऐसी घटना घटती नहीं है। तो बाहर के जो हिंदू भाई जो है, जो बाहर के हिंदू है, वो अक्सर तादाद में यहाँ पर 2 साल से आ रहे हैं, तो उनकी जो पूरी साजिश थी। और दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि ये मेरा नाम कैसे आया। जब रैली यहाँ पर आई तो पूरी मालवनी की जो जनता, जो बाकी पब्लिक जो थी, वो सब रैली के साथ में चल रही थी, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। तो रैली के आने के पहले 10 मिनट पहले मैंने चेक किया था कि मस्जिद के सामने जो स्पेस है रोड के उस पार, वहाँ पर काफ़ी पब्लिक जमा हुई थी। जो मुस्लिम जो नौजवान लड़के थे वो काफ़ी लड़के वहाँ पर जमा थे, और उस लड़कों को यहाँ के जो DCP जो थे, वो DCP और यहाँ की जो पुलिस जो थी, वो जाकर लड़के लोगों को, जो पब्लिक जितनी थी 400-500 जो भी पब्लिक थी स्टार्ट में, उनको सबको मस्जिद की तरफ लेके आया। अपना हमारा फुटेज है उसका, मस्जिद के बाद लेके आया। आधे लोगों को उन्होंने मस्जिद में घुसाया, आधे लोगों को उन्होंने गेट पर घुसाया। तो मस्जिद में ऐसा है कि मस्जिद का जो गेट है, 2 गेट है उसमें, एक गेट बिल्डिंग के अंदर से, एक गेट बिल्डिंग के बाहर से। तो पब्लिक गेट से घुसी और बिल्डिंग में अंदर आ गई। तो गैदरिंग जो है DCP ने किया, मैंने नहीं किया। ये तो उसमें आपका कैसे भूमिका, आपका क्या? मेरी भूमिका क्या थी कि जब पब्लिक पूरी फुल हो गई, 1500 लोग यहाँ पे जमा हो गए, और सामने जो रैली जो चालू थी उसमें काफ़ी तादाद पे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग सब रैली में थे, और यहाँ पे नौजवान लोग आपस में दोनों तरफ से चिल्लम चिल्ली हो रही थी। यहाँ पे जय श्री राम या नारे तभी अल्लाह ऊपर चालू थी। तो मैंने, मुझे किसी ने बताया कि ऐसी घटना घट रही है, तो मैं नीचे होता देखने के लिए। तो मुझे DCP साहब ने खुद बुलाया, यहाँ के एडिशनल थे, पुलिस वाले थे, सब बुलाया। बोला कि जमी भाई, पब्लिक काबू में, मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही है,
इसको आप रोक सकते हो, आप रोको उसको, क्योंकि ये नौजवान, क्योंकि कंपाउंड के अंदर पब्लिक थी, एक पुलिस वाला अंदर घुसने तैयार नहीं था, डर के मारे क्या घुसेंगे तो शायद हमला नहीं हो जाए, तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने फिर मेरे तरीके से लोगों को समझाया कि आप IPS बनने वाले, IAS बनने वाले, डॉक्टर बनने वाले, ये घटना आपको लेकर रुक जाएगी, खत्म करो, और जो पब्लिक नहीं मानी तो मैं डंडा लेके लोगों को मारा, मैंने अपने हाथों से मारा, ये जो नौजवान यहाँ के जो मुस्लिम लड़के थे उनको, मेरे फुटेज मेरे पास, उनको मैंने मार के पूरी जो आबादी थी उसको मैंने ढकला अंदर, और जब मैंने जब उतरा, जब मैंने पब्लिक को समझाने की कोशिश किया, मारा अंदर लेके आया पब्लिक को, तो रैली जब शुरू थी उस टाइम अगर मैं नहीं होता वहाँ पर, उसी टाइम घटना घट गई होती तो कम से कम 1000-2000 लोग उसमें मारे जाते थे। आरोप केला जातो आहे की जी पूर्ण घटना होती ती तुम्हीच रचली आणि नंतर तुम्ही कुठे ना कुठे लोकांच्या नजरेत चांगलं बनायला तुम्ही स्वतःहून समोर आले आणि मग स्वतःहून पोलिसांना मदत। नाही नाही सर, ऐसा है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा कोई पॉलिटिक्स लेना देना नहीं है, ये घटना घटा के भी मुझे मेरा बेनिफिट नहीं है और घटना नहीं घटा के बेनिफिट नहीं है, मैंने इस मालनी में रहने का हक अदा किया, दोनों तबके के लोगों को मैंने बचाया, उसका इनाम मुझे पुलिस ने केस के थ्रू दिया। पुलिस क्या रीजन बता रही है? पीछे किसकी मंशा क्या है? पुलिस किसका जवाब दूं? पुलिस क्या रीजन बता रही है? पुलिस रीजन के मैंने DCP से बात किया, उन्होंने बोला कि गैदरिंग वहां पे आप गैदरिंग पब्लिक आई कैसा, तो मैंने बोला सर पब्लिक आने के बाद में आया, मेरे पास फुटेज है, मैंने ऑफिस से उतरा, उतरने के बाद जब उतरा तो उस टाइम 2000 लोग आ चुके थे वहां पे, और पब्लिक को तो आपने अंदर लेके आया, गैदरिंग मैंने, मेरा गैदरिंग का रोल कहाँ आता है, तो पब्लिक ऑलरेडी अंदर आ चुकी थी, मैं आया था, पब्लिक लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, पुलिस ने पब्लिक अंदर लाया और उसको मैंने संभाला, बस ये चीज है इसमें। नहीं नहीं ना, मैं वांटेड हूँ और ना मुझे किसी ने बुलाया, मैं जब सवेरे मुझे मालूम पड़ा कि FIR में मेरा नाम आया, और जब मैंने इतनी बड़ी इतना बड़ा मैंने बलिदान दिया, अपने आप को पेश किया, इतने लोगों के बीच में मैं प्रेजेंट हुआ, मुझे भी कोई मार सकता था, मुझे उसके बावजूद मुझे पुलिस ने थैंक्स बोलने के बदले में थैंक्स बोला ही था उस टाइम, एडिशनल DCP जॉइंट जो भी बोला था, उसके बाद मुझे केस बना दिया, मैं सरप्राइज था, तो मुझे उन पर भरोसा था नहीं, तो मैंने फिर बेल लेने के लिए गया, बेल लेने गया। आपके ऊपर केस बनाने के पीछे क्या किसी का दबाव है या पुलिस की मंशा? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर 2 सालों से एक धार्मिक इशू चालू है, यहाँ पे जो पालक मंत्री जो है लोधा, वो मुझे लगता है कि पालक मंत्री होना चाहिए पूरे स्टेट का होना चाहिए, जो उनका जो महकमा है वो सिर्फ मालूने के 8-10 लोगों में पालक मंत्री है, वो आते हैं इधर एक समाज से मिलते हैं, एक समाज की बात करते हैं, एक समाज बोलता है कि ये समाज ने गाली दिया, तो आप उनसे ही पूछो, आप मंत्री हो ना, आप जब इलेक्शन के पहले आप BJP के हो, आप मंत्री MLA बन गए तो आप पूरे आवाम के हो, मैंने भाई इसको वोट दिया नहीं दिया मुझे लेना देना नहीं है, अगर यहाँ का CM तो मेरा CM है ना ये। सर कुछ लोगों से आपकी बात भी हुई, असलम सिंह भी आए थे, कुछ लोगों से आपकी बात हुई कि मेरा नाम क्यों FIR दर्ज किया गया? नहीं मैंने DCP को पूछा था, तो DCP साहब ने वही बोला कि आप गैदरिंग में आपका नाम आ रहा है, तो मतलब गैदरिंग आपने किया, मेरा सिर्फ रोल गैदरिंग का दिखा रहा है जो मैंने नहीं किया, जो फुटेज मेरे पास है। आपके ऊपर जो धाराएं लगाई गई कौन कौन सी धाराएं? देखिए 553 को दिया हुआ है, 324 दिया है और 143 कैसे हो सकता है? सर ऐसा है कि मेरा टोटल मेरे जाने से लेके ऊपर आने तक मेरे पास फुटेज है, पुलिस मुझसे हाथ मिला रही है और जो शख्स का नाम बता रहा है वो भी शख्स वहाँ पे था जो FIR जो जिसका नाम पे है, टोटल सीनियर पे मुझसे हाथ मिला रहा है, लास्ट एंडिंग तक रैली खत्म होने तक लोग मुझसे हाथ मिला रहे, एक आदमी आपको मार रहा है और आप मुझसे गले मिल रहे हो, थैंक्स बोल रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि कोई मामूली हवलदार जॉइंट CP लेवल का आदमी है, DCP लेवल का आदमी, एडिशनल लेवल का आदमी मुझसे मिल रहा है, देख रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब मकसद उनका जो भी हो उसमें BJP है, लोधा है या जो भी है वो उनका मसला है, मगर पुलिस ने अपने आंख से देखा है। देखिए सर मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हर पार्टी के लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरे दोस्त भी BJP के हैं, कांग्रेस के भी है, समाज हर पार्टी के है, तो आप मेरा BJP से कोई संबंध है या नहीं है आप साबित करो और सजा दो, खत्म करो बात। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई, क्या लगता है आपको, ये एक तरफा कार्रवाई हुई लोगों का आरोप? एक ही तरफा कार्रवाई हुई, जब घटना दोनों जब घटी, दोनों जगह पर पत्थरबाजी हुई, जब दोनों जगह पे सब चीजें हुई, तो घटना घटी दोनों जगह पे कार्रवाई होना चाहिए था, तो पुलिस ने एक ही जगह पे कार्रवाई करके गलत किया। सर आपकी मांगे क्या है? मेरी मांगे है कि एक तो जो केस बनाया है झूठा केस बनाया है उसको आप साबित करो या तो वंशन करो, और जो बेगुनाह बच्चों को उठा रहे हो आप
उनको रोको, जो इसमें 100-200 बच्चे जो है उसमें मदद कर रहे थे। आज एक लड़का जमा हुआ है, कोई सईद नाम का, रहीम का कुछ रहेगा, अब्दुल रहीम का भाई है, वो तो ऑलरेडी उसमें ट्रैफिक को रोकते हुए दिखा रहा है, पुलिस को आती आते दिखा रहा है, इसकी फुटेज है, उसको भी अरेस्ट कर लिया उन्होंने। 100% चौकी मेरे पास में ही है। कितने लोग जख्मी हुए।